नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ, रत्नों से जुड़ी जानकारियां देते हैं। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए जानकारी लाए हैं फिरोजा स्टोन के बारे में। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जानते हैं फिरोजा रत्न के बारे में जानकारी। दोस्तों, हमारे रत्न शास्त्रों में बहुत से रत्नों और उपरत्नों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक उपरत्न है फिरोजा। इसका रंग फिरोजी होने से इसे फिरोजा कहा जाता है। फिरोजा एक आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला स्टोन है। फिरोजा वैसे तो उपरत्न है, पर यह काफ़ी असरदार है। इसे इंग्लिश में टर्कवाइज स्टोन भी कहते हैं। यह हल्के नीले रंग से गहरे हरे नीले रंग का भी होता है और देखने में यह काफ़ी आकर्षक होता है। यह चिकना एवं कोमल होता है। असली फिरोजा जो रत्न होता है उसकी सतह यानी सरफेस खुरदरा होता है। मुख्य रूप से तो यह तुर्की में पाया जाता है, पर इरानियन फिरोजा को बेस्ट फिरोजा माना गया है। साथ ही साथ अमेरिकन, तिब्बत और भारत में प्राप्त होने वाले फिरोजा को भी अच्छा ही माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्टोन है जो नुकसान नहीं करता है। यह एक अपारदर्शी रत्न है। फिरोजा बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक रत्न है। यह ऐसा रत्न है साथियों कि आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेता है और समय रहते ही आपको अलर्ट कर देता है। भारत में फिरोजा रत्न की कीमत 200 से 300 रुपया प्रति रत्ती से शुरू हो जाती है। साथियों, यदि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही फ्री वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राचीन काल से फिरोजा का उपयोग धन प्राप्ति और चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाने के साथ साथ आभूषण बनाने में भी किया जाता रहा है। इस रत्न का उपयोग गले में लॉकेट के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में या फिर अंगूठी के रूप में, जैसे चाहे आप उपयोग में ला सकते हैं। वैसे तो यह बृहस्पति और शनि ग्रह को मजबूती प्रदान करता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति या शनि देव का शुभ प्रभाव बढ़ाना है तो किसी ज्योतिषी की सलाह से इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसे बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। फिरोजा रत्न को धारण करने का शुभ समय प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक का होता है। इस स्थिति में राहु काल का विचार कर लेना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से पहले दूध और गंगा जल के मिश्रण में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसे आप सोने, तांबे, चांदी अथवा पंच धातु में धारण कर सकते हैं। यदि आप इसके रिंग पहन रहे हैं तो पुरुषों को दाएं हाथ की और स्त्रियों को लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। साथियों, हमारे द्वारा कुंडली चेक करके आपकी समस्याओं के समाधान बताए जाते हैं और रत्न धारण संबंधी सलाह भी दी जाती है। यदि आप भी पेड कुंडली कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट स्क्रीन पर दिए नंबर पर बुक कर सकते हैं। अब जानते हैं फिरोजा रत्न पहनने के क्या क्या लाभ होते हैं। इसे पहनने से लोगों को बहुत ही प्रसिद्धि और बेशुमार दौलत मिलती है। प्रेम से जुड़े रिश्तों के लिए यह मददगार साबित होता है। यह रत्न आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही हेल्थ को बेहतर करता है और आपके नेचर को अट्रैक्टिव बनाता है। इस उपरत्न को धारण करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। कहते हैं फिरोजा स्टोन पहनने से बुरी शक्तियां भी दूर रहती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। फिरोजा स्टोन पहनने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति दुर्घटना तथा हिंसा से भी बचा रहता है। भूत, प्रेत, जादू टोना जैसी बुरी शक्तियों से भी यह रत्न हमारा बचाव करता है। फिरोजा रत्न नशे की लत को छुड़ाने में भी कारगर सिद्ध होता है। जानकारों के अनुसार कहा गया है कि रत्न धारण करने से कई लोगों की नशे की लत छूट गई। साथियों, इसी के साथ फिरोजा करियर और व्यापार में भी सफलता प्रदान करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि इस विषय में आपकी कोई अन्य क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वह भी इन जानकारियों का लाभ ले पाएं। ऐसे ही फ्री वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का समय शुभ हो।
देखते रहिए डॉक्टर मंजुल जोशी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।